बड़ी आवाज है
मुबारक आपको आलम पना साल गिरा अदू को कर दे हसद से तबाह साल गिरा। वजीर आजम शुक्रिया। हर एक को आज खुशी है खुशी के आने की, फरिश्ते भी यही कहते हैं वाह साल गिरा। शहंशाह जमा का बख्त बेदार उम्र दराज रहे। ये गरीब बेकस एक फरियाद लाया है। ऐसे खुशी के मौके पर फरियाद? हुजूर मैं इंसाफ चाहता हूँ। हाँ शौक से हो, ये तुम्हारा शाह इंसाफ देने के लिए हर वक्त तैयार है। हुजूर शहजादे परवीन ने मेरी गरीब लड़की की असमत लूटी। तुझे इसका सबूत पेश करना होगा। हुजूर ये लड़की खुद हाजिर है, कह नहीं सकती अपने मुंह से जो फरियाद है। खानदान शाही से इस पर हुई बेदार है। मगर हुजूर मैं इसको पहचानता भी नहीं। आए सरापा तस्वीर गम, क्या ये बात सही है? झूठ, गलत इल्जाम। झूठ? मुलायदा फरमाइए सरकार, ये शहजादे परवीज का रुमाल जो वहां से फरार होते वक्त रह गया था। उफ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आदिल शाह का फर्जंद और बानी सितम। अब्बा जान, आप भाई जान पर क्यों खफा हो रहे हैं? खामोश। वजीर आजम शहजादे को फिलहाल जिंदान में रखा जाए। अब्बा जान भाई जान को सजा ना देना। बेटा नादिर, इंसाफ के सामने औलाद कुछ नहीं। ये सब मलका की चालबाजी है। औरी
ये तो अच्छा न हुआ। क्या कैद में भेज कर भी आपका दिल ठंडा ना हुआ? नहीं। वो कैद की सप्तियां झेल कर खुद मर जाएगा। नहीं, जब तक मैं परवीज की लाश न देखूंगी मेरा दिल ठंडा न होगा। अच्छा, तो अब आगे थोड़ा सा काम तुम्हें करना होगा। देखो, आधी रात को क्या खून? नहीं, ये मुझसे न होगा। याद रखो, मैंने तुमको अपना राजदार बनाया है। मगर उसके जिस्म से बहता हुआ खून मैं न देख सकूंगा। तो जहर का प्याला। क्यों घबराई मालूम होती हो? भाई की रिहाई की फिक्र दामन गिर है। तो फिक्र किस बात की? मलका ने भाई जान को जहर देने का मशवरा किया है। मगर तकदीर के आगे तकदीर क्या हो सकती है? इस वक्त भाई जान खतरे में है और तुझे तकदीर और तकदीर की सुनी है। लेकिन हम और आप क्या कर सकती हैं? इंसान को चाहिए कि मुसीबत में खुदा पर भरोसा रखे। ओ खुदा, मैं किससे मदद चाहूं? नोट फरमाइए। क्या कभी मैंने तेरी दिल शिकनी की? नहीं। तो फिर तूने क्यों मुझसे दुश्मनी की? शहजादे, पहले जाम को नोट फरमाइए। मुझ पर इल्जाम लगाते वक्त
तुझे अपनी मासूम लड़की का भी ख्याल नहीं आया? अफसोस। पाक अस्मत बेटी पर बदनुमा धब्बा लगाने वाले बाप शर्म बस इस जान को खत कर। अच्छा तो तू भी इसमें शरीक हो जा। क्या मैं? क्यों नहीं? क्यों समझा? हाँ तू जिंदा रहे मैं पीता हूँ। नहीं इसे ना पिए। क्यों नहीं? शाहजादे ये जहर था। नहीं नहीं ये अमृत था। वालिद का भेजा हुआ जहर भी अब हयात है। नहीं ये जहर बादशाह सलामत ने नहीं भेजा। तो मलका साहेबा ने। और तू? मैं गोश्त के टुकड़े पर लुभाया हुआ कुत्ता हूँ। नहीं मैं नमक हराम ना बनूंगा। तो अंजाम भी देख ले। ओ खूबसूरत डायन मेरी शाबाजी का अच्छा सिला दिया। Thank you.
मुझे परवीज के अफाल पर सख्त रंज हो रहा है। मुझे भी उसी का ख्याल है, मगर क्या किया जाए, गुनाह भी तो संगीन था। शहजादा परवीज फरार हो गया। फरार हो गया? किस तरह? चंद सिपाहियों की इमदाद से फवीज का खून करके। फवीज का खून? ये दूसरा गुनाह। दरगाह, क्या भाईजान रिहा हो गए? नहीं, वो फरार हो गया। क्या उस नालायक की यहाँ तक हिम्मत बढ़ गई? क्या परवेज जुर्म है कि इमदाद से आपको कत्ल करेगा और मेरा सोहाग उजाड़ेगा। जाओ शहर में आराम कर दो। जो कोई परवेज का सर काट कर लाएगा वो हजार दिनार इनाम पाएगा। क्यों प्यारी, अब तो तसल्ली हुई? मेरे सरताज, अब नादिर को तख्त का वारिस कब बनाओगे? जब तक परवीज जिंदा है मैं ऐसा कर नहीं सकता। नहीं कर
मेरे लड़के नादिर को तख्त पर बिठाने के लिए ये सब नई मलका की कारसाजी है। अफसोस, अगर ये मैं पहले ही से जानता तो नादिर को खुद वलीअहद बनाता। बेटा सब्र कर। बकरीद की तरफ सफर करेगा तो तेरी तमाम मुसीबतों का खात्मा होगा। ये खंजर अपने पास रख। इसमें ये करामत है कि मुसीबत के वक्त जब तू खंजर को म्यान से जुदा करेगा उस वक्त तू लोगों की नजरों से रूपरोश रहेगा और ये खंजर अपना काम करेगा। छुपे जो कुछ है इसमें रात कोशिश कर तू
पाने की लगा गोता तू पानी में खुदा का नाम अब ले कर हरी वो आ गई है तेरी किस्मत याद मारेगी काफिल बंदे तुझे सोच जरा दुनिया खड़ी पद का ठिकाना है काफिल बंदे कुछ सोच जरा दुनिया खड़ी पद का ठिकाना है सौदा कर ले तू नेकी का सौदा कर ले तू नेकी का कोई दम्मी यहाँ से जाना है सौदा कर ले तू नेकी का कोई दम्मी यहाँ से जाना है काफिल बंदे कुछ सोच जरा दुनिया हरी भर का ठिकाना है आप बल से कुछ सो चल परवीन खुदा का नाम ले और गोता लगा आमदीद दोजखी ब्रिज के लजीज मेहमान खुश आमदीद परवरदिगार ये कैसा इसरार इन आंखों से दुनिया देखी ये भी तमाशा अब तू देख या खुदा ये तो जिंदा है कितनी खूबसूरत है।
बेदार क्यों नहीं होती? ये लकड़ियां कहती आंखों से दुनिया देखी, ये भी तमाशा अब तो देख। शायद किसी में कुछ राहत है। सौतेली माँ है और तुम मेरी वालदा ने दूसरे जवान से शादी करके उसको बच्चा बनाया। वालिद के जुल्म से मैं खुदकुशी करना चाहती थी, इतने में ये जिन मुझे यहाँ उठा लाया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। न घबरा, मैं तेरी हिफाजत करूँगा। ये तुम यक घबराने क्यों लग गई? और ये तोता क्यों चीखे मार रहा है? परवीन, ये तोता जिनका पहरेदार है, हमेशा उसके आने के वक्त इसी तरह चिल्लाता है। प्यारे परवीन, तू जा। नहीं नहीं, मैं तुझे इस आफत में छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर कोई तरकीब करो। आज मुझे किसी आदम साहब की बू आ रही है। यहाँ तो मेरे सिवा कोई आदम साहब नहीं। नहीं, तेरे हदबंदी में जरूर किसी इंसान ने कदम रखा है। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और मार डालूंगा। तो मुझे को मार डालो। दीवानी, तुझे मारने से बेहतर है कि मैं खुद मर जाऊं।
नहीं नहीं, तुम्हारे मरने से तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। नरो परिजात, मेरा मरना कोई मजाक नहीं। चल देख। देख, ये कुंडा दरख्त और इसमें लगा हुआ फूल, ये कुंडा मेरा तिलस्माती महल है। ये दरख्त मेरा जिस्म और फूल मेरी जान। इन पर जो कोई इंसान कब्जा करेगा वही मुझे मार सकेगा, मगर ऐसा होना नामुमकिन है। प्यारी परिजात, आज मेरा दिल खुश करने के लिए अपना नाच बता। नहीं, आज मेरा जी नहीं चाहता। नहीं, मेरा दिल बहला नहीं पड़ेगा। मेरे आका, एक आलमदार मुझे जख्मी करके इस तरफ आया है। दास, आज मैं तुझे मार डालूंगा। जाएगा कि मां किसे पुकार रही है।
अमल अंदर आ। इन आंखों से दुनिया देखी, ये भी तमाशा अब तुम देख। Bye.
बेटे की मोहब्बत ने मुझे दीवाना कर रखा है। उसने माफी चाही, मैंने लातों से ठुकराया। परवीज, परवीज। अब्बा जान। तू हो शैतान? नहीं, इसमें तेरा क्या कसूर है? बोल बेटा, परवीज कभी तुझे प्यार करता था? हाँ, वो मुझे बहुत ही प्यार करता था। तो हाँ, मैं भी तुझे प्यार करूं। मगर अब्बा जान, आप रोते क्यों हैं? बेटा, खुदा ने आंखें रोने को दी हैं। कैसी घायबी आवाज। सच है, इंसान गाफिल है। बेहतरी चाहो तो सब्र करो और खुदा पर भरोसा रखो। जो इरशाद। अच्छा, खुदा हाफी। आप कहाँ जा रहे हो? अब्बा को आपने क्या कहा जो इस तरह आंखें मार कर देख रहे हैं? बेटा, तुम इसकी फिक्र न करो, सब अच्छा होगा। मुझे आपका गाना बहुत ही पसंद आया, क्या उसे दोबारा ना सुनाओगे? क्यों नहीं बेटा, लो सुनो। जाना पाता करना।
खूबसूरत हो। आप इसकी गलत तारीफ हो रही है। क्यों नहीं, काश सूरत के साथ सिरत भी ऐसी होती तो। तो क्या हुजूर को मेरे अखलाक ना पसंद आए? अरे सफेद नागन, आज तेरा सब राग खुल गया। मेरे सत्तान कैसा राग? क्या तू नहीं जानती, अरे भी जायन अप्पा कोई है? ले जाओ इस बदखसाल को, कत्ल कर दो। अप्पा जान ये क्या कर रहे हो? कौन जायन का बच्चा? नहीं नहीं, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। छोड़ दूं? नागन के बच्चे को जाने दूं? मकार नहीं नहीं, ये बेचारा बेगुनाह है। चाहे अप्पा अम्मी जान की जान ना दे। क्यों? हाँ ये भी ठीक है। जाओ क्या है, गर्म सलाखों से फोड़ दो और हमारे पास ले आओ। ओ खुदा खुदा खुदा। अम्मी अम्मी अप्पा जान, अम्मी जान को हम माफी बख्शते हैं। क्यों तुम ये समझते हो सल्तनत हम तुम्हें सौंप देंगे? नहीं, हम सल्तनत को जलाकर खाक कर देंगे और वो खाक उसी के मुंह पर फेंकेंगे। देखिए देखिए अम्मी जान किस तरह जिखेर मार रही है। अरे वो नहीं नहीं, बिचारी को अंधी ना करो। नहीं जैसा किया वैसा करो। अरे क्या अम्मी, मेरी अम्मी नादिर नादिर तू कहाँ है? अब हम दोनों अंधे हैं, मैं आंखें होते भी अंधा और तू गया।
बहू गई, अमृत गई, बेटी गई, अब बाकी क्या रहा? सब तो ताज। मैं इससे भी नफरत करता हूँ। आलमपना, ये आप क्या कर रहे हैं? खामोश, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बजा कर रहा हूँ। ले अब ये तू संभाल। ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम जबा कोई न हो। बेदरो दीवार का ये घर बनाऊंगा, वहां कोई हम साया न हो और पास बा कोई न हो। ये तो बिल्कुल जन्नत का नमूना है। प्यारे, तुमने कभी जन्नत देखी है? नहीं। मैंने देखी है। कहाँ? यही मेरी जन्नत है। फरीदार, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं तुम्हारे इश्क में पागल हुई। मगर मेरी तो शादी हो चुकी है। नहीं, तुम मेरे हो, मेरे पास रहो। मैं अपनी हुस्न और जवानी सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम कहीं ना जाओ, मेरे पास रहो। Oh,
बीजो, खूब बरसो, बदकारों को फना कर दो। फरक गुरूर न कर खाक में मिला के मुझे, न तू भी चैन से सोएगा यूं सता के मुझे। बेटा क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि मलका के साथ बादल, बिजली, हवा सभी मेरे दुश्मन बन गए हैं। आप बंदे कुछ सोच जरा, दुनिया गरीब का ठिकाना है। ये तो उसी बुजुर्ग का गाना है। कौन? बादशाह और शाहजादा नादिर हैं? तू कौन? फैसों, ये बादल जो गरज रहा है उसके क्या माने? अब्बा जान, मुझे सर्दी लग रही है। खामोश। मैं नालिन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं फैसू, ये पानी दुनिया को बहा ले जाएगा? नहीं। शायद हमको बहा ले जाएगा? नहीं। यही वो मलका है, इसी का नाम शमशा है। मैं फैसू, बच्चा ने मुझसे धना से हूँ छुपा लिया। आ गया, हाथ जोड़। आलिदा, ये मलका नहीं, आपका लड़का नादिर है। क्या वो भाग गई? संतरत का ऐसा इंतजाम, जाओ करो। मुझे सर्दी लग रही है। चमकी, सितारा टूटा। हाँ ठीक है, सितम की बिजली चमकी, किस्मत का सितारा जरूर टूटा। अब्बा जान, चलो अपने महल में चलो, यहाँ तो सब अंधेरा है। ऐ नादान, अंधेरा कैसा? देख, साफ की शुआएं निकल रही है। तुझे अंधेरा मालूम होता है? अरे फैसो, ये पानी क्यों बरस रहा है? मैं समझा आसमान रो रहा है। रो रो मेरी हालत पे, रो। तुझे क्या मालूम है कि तेरे वालिद
कैसी वहशत में है। वहशत परेशान हाल होकर मैं चला करता हूँ वहशत में। कहाँ बना, अपनी औलाद का भी तो ख्याल रखिए। औलाद का ख्याल किस लिए? तुम देखते नहीं मेरी औलाद भी तो गिरफ्तार है, बड़ा हुए है। काफिर काफिर लगी है। हाँ अब्बा जान, मुझे भी भूख लगी है।
यही है, शहजादी गिरफ्तार करो। नया बादशाह कौन? जहाँ पनाह सरगम। और बादशाह सलामत? शहजादे के गम में पागल बनकर नादिर के साथ चले गए। लेकिन मेरी बेटी को गिरफ्तार किस लिए करते हो? शहर सरगम के हुक्म से। नहीं नहीं, प्यारे परवीज। फरीजाद। परेशान क्यों हो? फरीजाद, मैंने ख्वाब में वालिद को मुसीबत में देखा। कौन वतन की याद दिला रहा है? खबर आपके वालिद आपके गम में दीवाना वार होकर कहीं निकल गए। तो फिर दस्तो ताज कौन संभाले हुए है? वजीर सरगाम। फरीजाद, अब मुझे वतन जाने की इजाजत दे। तो क्या ये जमीन
तुमको नहीं भाती? भाती है, लेकिन सौतेली माँ चाहे जितना प्यार करे फिर भी सौतेली है। खुदा के लिए मुझे तन्हा ना छोड़ जाओ। अगर तन्हा रहना नहीं चाहती हो तो मेरे साथ आओ। नहीं, तुम यही रहो। ये नामुमकिन है, मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं।
परवीज मुझसे जुल्म का जवाब लेने आया है। जा, चला जा। कैसे वहशी ख्याल है? छोड़ो, मुझे जाने दो। अब्बा, कहाँ जा रहे हो? बेवकूफ, राया पे जुल्म हो रहा है और मैं दिखा करूं। लाओ मेरी तलवार, मार डालूंगा। घबरा शाहजादी, सामने देख, उस प्याले में खाक रखी है, उसको लेकर तालाब में डाल। प्यारे तोते, उससे तेरा मतलब? तालाब में सैकड़ों इंसान मछलियां बनकर पड़े हैं, उन सबको अपनी असलियत में लाकर अपने चाहने वाले की इमदाद कर। Thank you.
महल में रहने वाली मगरूर लड़की, अब तेरी पापबाजी का यही इम्तिहान होगा। ओ खुदा, तू रहम कर। नादान, अगर तू रहम की ख्वाहिश रखती है तो मेरा कहना मान, फिर तेरे लिए वही तख्त ताज मौजूद है। मुझको देख, मैं तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। दूर हो शैतान। देखता हूँ मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा। मेरा खुदा बचाएगा। अगर ऐसा है तो देख। गुनाहगार को मौत के हवाले कर दो। रहम, रहम, आलम पनाह, रहम। क्यों? देखा, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। अगर तू मेरी न होगी तो तेरा भी यही हश्र होगा।
परवीज गिरफ्तार करो इसे। मारो मारो। ये कैसा है सर? जन्नत के फरिश्ते रहम, क्या अब तक होश में नहीं आए? अरे कल रात को मैं कहा था और आज? अब्बा जान, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है? अब्बा जान, तुमको शायद तू परवीज है। हाँ अब्बा जान। बेटा
मुझे माफ कर अब्बा जान, मुझे दुआ दीजिए। आए नेकी के फरिश्ते, आपकी इनायत का मैं क्या बदला दे सकता हूँ? बदला देने की कोई जरूरत नहीं। सच्चा मुसलमान नेकी किसी जाहो हशमत की गरज से नहीं करता। सच है, लेकिन मुझे आपको खुश करने की तमन्ना है। क्या मुझे सुनहरी जाल में फंसा कर आप खुश होना चाहते हैं? कैसा जाल? क्या आपको मालूम नहीं कि फाहिशा की शक्ल में दुनिया और दौलत उसी का बनाया हुआ जाल है, और उस दुनिया की खूबसूरती में फंस कर आपने अपने दरबार में एक फकीर को कोड़ों से पिटवाया था। यानी आपके अक्दे सानी की तकरीब का जलसा और उस फकीर की पेशीन गोई याद है जिसको आपके कोड़ों से पिटवाया था, वही मैं फकीर हूँ। या खुदा, क्या आप वो फकीर हो? अरे मेरे मोहसिन, मुझे माफ करो। माफी देने वाला वो गफूर रहीम। अब परवीज की ताज पोशी की रस्म भी अदा हो जा। ये कैसा राज? आए शाह, न घबरा। इस गैबी हिलाल से ये मतलब है कि ताज बजाए परवीज के नादिर को पहनाया जा और परवीज और परीजाद को मिस्र फतह करने के लिए रवाना किया जाए। जो बेटा परवीज। मुकद्दस जनाब, तुम फरीजाद के हमरा मिस्र को रवाना हो जाओ और वहाँ इस्लामी खिदमत बजा लाओ। बुजुर्गी जाके कायम कर दो तुम महराब और मिंबर की। पलट जाओ वहाँ इस्लाम से बुनियाद हर घर की। पूरे झंडे हिलाली आसमां तक धूम हो जाए। सदा आने लगे चारों तरफ अल्लाह अकबर की। Saya berkata, jawab tidak.
मजहब से मीटा जाओ तुम पे।